नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते में आई दरार का फायदा पाक के लोग उठा रहे हैं। एक पाकिस्तानी युवक ने अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए पाक रेंजर्स से मिलकर पत्नी को जबरदस्ती बॉर्डर पार करा दिया। बुधवार सुबह जब महिला ने बॉर्डर पार किया तो बीएसएफ के जवानों ने उसे रुकने को कहा। महिला के नहीं रुकने पर फायर कर दिया। जख्मी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं खुफिया एजेंसी इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं महिला को जासूसी के लिए तो नहीं भेजा गया था। डीआईजी राजेश शर्मा के मुताबिक महिला का मानसिक संतुलन ठीक है। महिला के पास एक टूटा मोबाइल भी मिला है। इलाज के बाद महिला से पूछताछ की जाएगी। राजेश शर्मा ने बताया कि बटालियन 10 के तहत आने वाली बॉर्डर के पास महिला भारतीय सीमा में घुस आई थी। धुंध के कारण जवान उसे ठीक से देख नहीं पाए। बीएसएफ को मानव बम का अंदेशा हुआ तो उन्होंने फायर कर दिया। घायल गुलशन उम्र 32 साल ने बताया कि वह पाकिस्तान आर्मी कैंप से आई है। वह बॉर्डर से लगे गांव ताजपुरा से है। पति उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसे 3 दिन पहले ही पाक जवानों के पास छोड़ दिया था। पाक आर्मी के कुछ जवानों से मिलकर उसे भारतीय सीमा में धकेल दिया। अंधेरा होने के कारण उसे पता नहीं चला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।